कि हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जब भोजन करें तो उसकी परीक्षा करके करें, जब अपनी श्रद्धा किसी को दें तो परीक्षा करके दें, और जब किसी को मदद करें, किसी की मदद करें, तो व्यक्ति को देख करके करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उसको स्थान दें और आपका स्थान ही छीन लिया जाए। ये नीति कह रही है आज की कि जब भी किसी की मदद करना, बहुत सोच समझ के करना, कहीं उसकी रक्षा में आपकी अरक्षा ना हो जाए। बचपन में कहानी पढ़ी थी कि चूहा भाग रहा था बिल्ली से, तो हंस ने उस चूहे को अपने पंख के अंदर रख लिया था, और जब शिकारी आया तो हंस कहता है चूहे से, अब बाहर निकलो, मेरे उड़ने का समय हो गया है। लेकिन उस चूहे ने उसके पर काट लिए थे। अगर वो हंस समझदार होता तो मदद भी सोच समझ के करता, उसकी तो रक्षा हो गई, और शिकारी ने एक तीर छोड़ा, हंस वहीं समाप्त हो गया। आज की नीति कह रही है कि एहसान करने के पहले एक नहीं 100 बार सोचना, एहसान करने के पहले एक नहीं 100 बार सोचना, क्योंकि जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है। पहले वो जमाने थे कि एहसान करने वाले के लिए लोग मर मिटते थे, अपने आप को बेच देते थे। अब वो जमाने आ गए हैं कि एहसान करने वाले को ही लोग बेच देते हैं। जब किसी को मदद की इच्छा होती है तो रोते हुए आता है आपके पास, भैया हमको बहुत ज़रूरत है, हमको बहुत ज़रूरत है, मदद कर दो। और जब काम पूरा हो जाता है फिर आप जाते हो उसके पास, भैया हमको अब ज़रूरत है, वो कहता है आप कौन, हम पहचानते ही नहीं। तो अपने जीवन में कभी भी किसी की मदद करना, बहुत सोच समझ के करना, जमाने का भरोसा मत करना, भरोसे का जमाना नहीं रहा। जमाने का भरोसा मत करना, अब पता नहीं है कब कौन कैसे आपको कहाँ धोखा दे जाए। हमने भी जीवन में बहुत लोगों की मदद करी, लेकिन एक शिक्षा जरूर ली है कि मदद जब भी करना, अपनी रक्षा करते हुए ही करना। एक आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, स्कूल की बात है। 3-4 बच्चे लाइन से बैठे थे, और कुछ हिंदी मीडियम के थे, कुछ इंग्लिश मीडियम के थे। तो जो हिंदी मीडियम वाले थे उसके पास एक पर्ची आई, तो उसने इंग्लिश मीडियम वाले से कहा कि इसकी तू हिंदी करके दे दे, मैं पास हो जाऊंगा। उसने सोचा चलो मित्र हैं, मदद करने में क्या जाता है। उसने उसकी हिंदी करी, अपना पेपर छोड़ के, कि वो इसका उत्तर लिख ले, पास हो जाए। और जैसी उसने पर्ची आगे वाले को दी, उतने में टीचर आ गई। टीचर कहती है पर्ची, वो कहता है मेरी है ही नहीं, राइटिंग तो उसकी है। वाह, मदद करी किसी की और पेपर कैंसिल हो गया किसी का। अपने जीवन में कभी भी किसी की मदद करना, भगवान महावीर के अनुयायी हैं हम, राम को भी मानते हैं केवली भगवान के रूप में, उन्होंने कभी किसी के लिए दगा देना नहीं सिखाया। चाहते राम तो अकेले राज कर सकते थे लंका पर, लेकिन राम ने विभीषण को वचन दिया तो उसको निभाया था। आपके जीवन में कोई भी कभी भी आपके पास आता है कि हमको आपके आश्रय की, आपकी सहायता की जरूरत है, व्यक्ति की परीक्षा करना, अपनी रक्षा करते हुए मदद करना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो आपको आपके स्थान से लूट ले।
महावीर भगवान ने ये नहीं कहा कि मदद नहीं करना, भगवान ने ये कहा कि अपनी रक्षा करते हुए मदद करना। अहिंसा का ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को खो दें, अहिंसा का ये मतलब है कि दूसरे की भी रक्षा हो, हमारी भी रक्षा हो, जो साथी है उसको जगा देना, जो स्वार्थी है उसको जगा मत देना। जितनी जल्दी हो सके जीवन में अपने स्वार्थियों की विदाई करना। अपन को लगता है कि व्यक्ति अपना है, वक्त बताता है कौन किसका है। जब समय आता है जो साथ छोड़कर चला जाए, समझ लेना स्वार्थी था, वो विपरीत परिस्थिति में जो साथ निभा दे वो साथी है। साथी की खोज करना, साथी की कभी भी, मैं तो ये मानता हूं एहसान करना तो यही मान के करना कि व्यक्ति दोबारा मदद नहीं करेगा। वो बचपन में पढ़ते थे अपन की एहसान कर और दरिया में डाल, नेकी कर और दरिया में डाल। क्यों? दरिया मतलब समुंदर। किसी के ऊपर एहसान करना, कागज लिख के दरिया में डाल देना। क्यों डाल देना? जरूरी नहीं है कि लौट कर आए, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति लौट के मदद करे, क्योंकि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। आप देखो कि भारतीय पद्धति के अनुसार अगर कोई लड़की देखने जाता है या लड़के देखने जाता है तो वो भी चार पांच कुंडली रखता है कि बेहतर बेहतरीन क्या है, बेहतर बेहतरीन क्या है। अगर आपसे बेहतर कोई मिलेगा तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये चाहे देश हो, समाज हो, परिवार हो, व्यापार हो, आपका व्यवहार हो। आज व्यक्ति आपसे व्यापार कर रहा है, उसको आपसे बेहतर कोई मिलेगा वो छोड़ देगा वो आपको। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कभी नहीं छोड़ेगा, उसका नाम है आपके गुरु। वो गुरु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप ऊंचाइयों में हो कि आपकी ऊंचाइयां चली जाएं, गुरु नहीं छोड़ते, माता पिता नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उनके अंदर एक शिष्य का भी गुरु के प्रति समर्पण होता है, तो गुरु का भी शिष्य के प्रति एक समर्पण होता है। तो क्यों ना अपन उनसे ही जुड़े हैं जो आपकी रक्षा करें। जो स्कूल में कॉलेजेस में आपके दोस्त बनते हैं ना, ये सब मतलब के साथी हैं। सबको अपने अपने विषयों की पूर्ति करना है, क्योंकि जब तक तेरा ना तुझसे काम है, तेरा नाम है पर ना दूर से राम राम है। जब तक आपसे काम है व्यक्ति काम करेगा, बाजार में कहीं और माल ना मिले तो आपको पूछेगा। अच्छा आप मुनियों को देख लो, इनसे बड़ा स्वार्थी कौन है? जिन्होंने जन्म दिया उनको ही छोड़ दिया, जिन्होंने जन्म दिया उनको ही छोड़ के आ गए हैं। श्रद्धा का विषय है, साधना का विषय है। किसी को अपना मत मानना सगी माँ भी जहर देने का भाव ले आती है। सगी माँ भी जहर देने का भाव ले आती है जब उसको लोभ हो तो। अपन पढ़ते नहीं है, बेंगलोर में एक बेटी ने अपने पिता को मार दिया। क्यों? पिता उसके उसके मन की नहीं कर रहे थे। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी हैं। ये बात तब समझ में आएगी जब तुमको चोट लगेगी। जब कभी किसी ने चोट दी हो तो याद रखना वो अपना नहीं है, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी धोखा दे सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करें? शत्रुता ना रखें, मित्रता स्थापित करके दूर हट जाएं, क्योंकि भरोसा नहीं वो कब धोखा देगा। जैसे रास्ते में कीचड़ पड़ा हो, कीचड़ तो आप बच के निकलते हो। क्यों? कोई गाड़ी निकलेगी तो कहीं अपने ऊपर ना उछल जाए। ऐसे ही स्वार्थी लोगों से बच के रहना,
क्या पता कब आपके जीवन में कीचड़ उछाल दें, कब आपके जीवन के लिए वो हानिकारक हो जाएं। ये आज की नीति है, जमाने का भरोसा मत करना, भरोसे का जमाना नहीं है। लोग स्वार्थी हैं, आप लुटे ना, बचें, एहसान करें तो 100 बार सोच के करें, कहीं इसमें अपनी हानि तो नहीं है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की।